संसार सज्जनों और देवियों, मनुष्य अपनी गरिमा को समझे और अपनी गरिमा को सुरक्षित रखे, यही धर्म है और यही अध्यात्म है। अपनी गरिमा को ये समझता नहीं, भटकता। प्राकृतिक शक्तियों को देवता मान करके कभी बड़ी प्रार्थनाएं की गई थी, लेकिन ऋषियों ने उसको मोड़ा आत्मा की तरफ। वेदों में ब्रह्म कह करके प्राकृतिक शक्तियों के लिए निर्देश किया गया। यहां तक कहा गया जगत और स्थावर दोनों की आत्मा सूर्य ऋग्वेद के प्रथम मंडल के 115वें सूक्त का पहला मंत्र, उसमें आता है कि जगत और अस्थावर की आत्मा सूर्य है। जगत का अभिप्राय है जंगम, जो चले। अस्थावर का मतलब है जो स्थिर है, यानी अस्थावर जंगम का आत्मा सूर्य है। तो एक दृश्य देखा जाए बिल्कुल सच है, सूर्य से शक्ति प्राप्त करके, इसलिए सूर्य को पोषण कहा गया, वो सबका पोषण करता। लेकिन ये भौतिक क्षेत्र की बात थी। ऋषियों ने प्राकृतिक शक्तियों से ऊपर चिंतन करना आरंभ किया और आत्मा के विषय में उन्होंने जोर दिया। उपनिषदों में इसका खुलासा हुआ। कबीर वाणी आत्मा पर जोर करने वाली, सूफी संतों ने आत्मा पर जोर दिया और दुनिया के जितने विचारक हैं, जब भावुकता से ऊपर उठे तो उन्होंने आत्मा पर ही अपना लक्ष्य स्थिर किया। भक्त मानता है भगवान मुझसे अलग है, विवेकी मानता है मैं और भगवान दो नहीं। जीव ब्रह्म की एकता वेदांत में बारंबार जोर देके कहा गया, जीव ब्रह्म की एकता। स्वामी शंकराचार्य की वाणी में बारंबार ही आता है, भक्त मानता है भगवान हमसे अलग है, हम अलग हैं। विवेकी मानता है परम तत्व मुझसे अलग नहीं। पात्रता दुनिया में अलग अलग हुआ करते, कुछ ऐसे लोग होते हैं जो भावुक होते हैं, अलग देवता मान के पूजते हैं, अलग ईश्वर मान करके कीर्तन करते हैं, तो उनका अपना मूल्य है। वे अपने मन को उसी ढंग से समझा करके कुछ रास्ते पर लाते हैं, लेकिन अंतिम गंतव्य, अंतिम लक्ष्य जो है वो बाहर नहीं मिलेगा। इसीलिए सद्गुरु कबीर ने कहा, झगड़ा एक बढ़ो राजा राम, जो निर्वारे सो निर्वाण। ब्रह्म बड़ा की जहां से आया, वेद बड़ा की जिन उपजाया, ई मन बड़ा की जय मन माना, राम बड़ा की रामय जाना। ब्रह्म ब्रह्म कबीरा फिरे उदास, तीर्थ बड़ा की तीर्थ कदास। ये थोड़ी सी पंक्तियां इतनी महत्वपूर्ण है। झगड़ा एक बढ़ो राजा राम, अरे राजा राम एक बहुत बड़ा झगड़ा बड़ा। राजा राम साहेब मनुष्य को कहते हैं,
मनुष्य राजा राम, यही राम, यही राजा, यही श्रेष्ठ। आप कबीर वाणी को देखिए, वो सदैव मनुष्य बात करते हैं, अन्य कवि श्री राम से बात करते हैं, श्री कृष्ण से बात करते हैं, स्थूल भगवान देहधारी भगवान से बात करते हैं, नहीं तो परोक्ष भगवान से बात करते हैं। कबीर साहब किसी भगवान से बात नहीं करते, मनुष्य से बात करते, इंसान से बात करते, पंडित, योगी, अवधु, भाई, अनेक संबोधन उनके हैं, लेकिन सभी संबोधन मनुष्य में निहित है, मनुष्य से बात करते हैं। ज्ञान विज्ञान का शोधक मनुष्य है और ज्ञान विज्ञान का श्रोता भी मनुष्य ही है, जानवर नहीं। और मनुष्य ऊपर भी कोई शक्ति नहीं है जो सुने, सुनने की शक्ति और कहने की शक्ति वर्णात्मक शब्द ये मनुष्य में है, इसलिए मनुष्य को साहेब राजा राम कहते हैं। झगड़ा एक बढ़ो राजा राम, अरे राजा राम, अरे श्रेष्ठ मनुष्य, एक बहुत बड़ा झगड़ा पड़ा, जो निर्वारे सो निर्वाण, जो निर्वार करे उसका निर्वाण होता है, निर्वार का मतलब खोल लेना, इस झगड़ा को जो मिटा दे वो निर्वाण परम शांति पाता है। ब्रह्म बड़ा है तो साहब कहते ब्रह्म बड़ा की जहां से आया, अगर ब्रह्म तुम हो तो विवाद खत्म है, हम ब्रह्मास्मि, ऋषियों ने कहा मैं ब्रह्म हूं, तो यहां विवाद कुछ नहीं। लेकिन ब्रह्म कहीं बाहर है तो उसको किसने कहा, आपने कहा, आपने कल्पना की, परोक्ष ब्रह्म की कल्पना करने वाले आप हैं, तो आप बड़े हैं वो बड़ा नहीं, आपने सोचा है ब्रह्म के विषय में और उसका रूप गढ़ा है, नक्शा बनाया, आप श्रेष्ठ है। ब्रह्म बड़ा की जहां से आए, किसी ने कहा, लेकिन वेद में लिखा है कि ब्रह्म बड़ा है, ये जीव से ब्रह्म बड़ा है। तो साहब ने कहा वेद बड़ा की जिन उपजाए, वेद बड़े हैं कि वेद के रचयिता बड़े, जिन्होंने वेद को उपजाया है, बनाया, तो उन्होंने कहा हम वेद को अनादि मानते हैं। तो साहब ने कहा ई मन बड़ा कि जय मन माना, मन बड़ा है कि मन को मानने वाला बड़ा, तो मन को मानने वाला बड़ा है। राम बड़ा कि राम ही जाना, तब उन्होंने कहा सब ईश्वर की माया, हम कुछ नहीं कह सकते। तो साहब ने कहा राम बड़ा कि राम ही जाना, ईश्वर बड़ा है कि ईश्वर को जानने वाला बड़ा है, ईश्वर की कल्पना करने वाला बड़ा है। ब्रह्म ब्रह्म कबीरा फरे उदास, संसार के लोग भटकते हुए उदास फिरते हैं तीर्थों में कि तर जाएंगे, गंगा जमुना नदियों में नहाएंगे तो तर जाएंगे। साहब कहते तीर्थ बड़ा कि तीर्थ का दास, तीर्थ बड़ा है कि तीर्थ का दास बड़ा है, इन चार पंक्तियों में अर्थ यह है कि ब्रह्म की कल्पना करने वाला, ईश्वर की कल्पना करने वाला, वेदों का रचयिता, मन को मानने वाला और समस्त मानसिक सृष्टि का सृजक, तीर्थों की स्थापना करने वाला, सारे ज्ञान विज्ञान की खोज करने वाला, सबका स्थापक कौन है, इसमें कोई विवाद की बात नहीं, मनुष्य। दुनिया के समस्त शास्त्रों की रचना मनुष्यों ने की, समस्त देवी देवताओं का सृजन मनुष्यों ने किया, समस्त ईश्वरों की अवधारणा मनुष्यों ने की, मनुष्य बढ़कर के कोई शक्ति नहीं, ज्ञान विज्ञान का दाता। सुनो मानुष भाई, सवार ऊपर मानुष, तहार ऊपर नहीं। ये चंडीदास मंगला भाषा के महाकवि ने कहा, ए मनुष्य भाई सुनो, सबके ऊपर मनुष्य श्रेष्ठ है, मनुष्य के ऊपर कोई नहीं। सारे ज्ञान विज्ञान का स्रोत कौन है, मनुष्य। लेकिन अपनी भूल से,
धर्म वालों ने, कुछ धर्म वालों ने ऐसा कहा कि मनुष्य तुच्छ, जीव तुच्छ, भगवान बड़ा। भगवान कहाँ है पता नहीं। मनुष्य जो सामने है वो तुच्छ है। जब तुच्छ है तो श्रेष्ठ कैसे होगा? जो स्वभाव से तुच्छ है वो श्रेष्ठ कभी नहीं हो सकता। ये महादुर्भाग्य है धर्म के क्षेत्र। भक्ति के नाम पर अपने को बेच दिया गया। भक्ति का अर्थ ये नहीं कि अपने को बेच दे। भक्त न जाने भक्त कहावे, तज अमृत विष कहिन सारा। साहब कहते भक्ति लोग नहीं जानते, भक्त कहलाते। अमृत को छोड़ करके विष ग्रहण करते। अमृत वस्तु जाने नहीं, मगन बया सब डोय, काहे कबीर कामो नहीं, जीव ही मरण न हो। लोग अमृत वस्तु नहीं जानते और विषय वासना में ही मगन है। काहे कबीर कामो नहीं। जब निष्काम स्थित होती है तो यह अमृत तत्व, और जीव ही मरण न हो, जीव का मरण नहीं होता, इसलिए जीव अमृत है। सिद्धांत में जीव अमृत है, व्यवहार में निष्कामता अमृत है। और इस बोध और रहनी में ठहरना सच्ची भक्ति है। आज शंकराचार्य ने विवेक चूड़ामणि में कहा, मोक्ष की सामग्री भक्ति। भक्ति मोक्ष कारण सामग्राम, भक्तिरेव गरीयसी। मोक्ष की सर्वोच्च कारण सामग्री भक्ति। और अगली पंक्ति में कहा, सुस्वरूपानुसंधानम भक्तिरित्य विधीयते। सुस्वरूप का अनुसंधान भक्ति कहलाती है। भक्ति की परिभाषाएं और हैं, लेकिन ये परिभाषा परिपक्व है। नैको ऋषिर्जस्य मतः प्रमाणम्। एक ऋषि नहीं जिसका मत प्रमाण मान ले। श्रुतयो विभिन्न, श्रुतियां भी विभिन्न। वेद के मंत्र बहुत हैं, उपनिषद के मंत्र भी बहुत हैं, ऋषि भी बहुत हैं। इसलिए प्रमाण, किसी शास्त्र को प्रमाण मान लेना ये उचित नहीं। प्रमाण वह जो प्रमा के अनुकूल है। क्या प्रमा का अनुगमन प्रमाण कर रहा है? प्रमाणाम ज्ञान, और प्रमाण जिससे ज्ञान सिद्ध हो। प्रमाण है कि राजा सगर की पत्नी सुमति से 60,000 बच्चे एक साथ पैदा हो गए, और वो छोटे छोटे कीड़े सरीखे थे, तो धाय बुलाई गई, तो 60,000 खड़ा ठीका रखा गया, उसमें एक एक को डाल दिया गया, और सब खा खा करके जवान होके निकल आए। ये प्रमाण है ग्रंथ का। तो क्या प्रमा का ये अनुगमन करता है, ज्ञान का अनुगमन करता है? हमारा ज्ञान क्या है? हम देखते हैं कि मनुष्य योनि में नारी से एक बच्चा होता है, कहीं जुड़वा होता है। 60,000 बच्चे होते कहीं देखा नहीं गया। तो प्रमा का अनुगमन ये प्रमाण नहीं कर रहा है। महाराज राम का जब जन्म हुआ तो अयोध्या में उत्सव मनाया जाने लगा, जन्मोत्सव। तो एक महीना तक सूरज आकाश में रुक गया, जन्मोत्सव देखते देखते विमोहित हो गया। मास दिवस का दिवस भा, मरम न जाने कोय, रथ समेत रवि था क्यों निशा कवन विधि हुए। मास दिवस का दिवस हो गया, एक महीने का दिन हो गया, मरम न जाने कोई, लेकिन इसका मरम कोई नहीं जाना, इसीलिए वाल्मीकि जी ने लिखा नहीं, वाल्मीकि रामायण में नहीं। वो मरम नहीं जाने, जब कोई नहीं जाना तो वाल्मीकि जी कैसे जाने? लेकिन 16वीं शताब्दी में गोस्वामी जी जान गए, तो उन्होंने लिखा कि महाराज राम के जन्मोत्सव में एक महीना सूरज आकाश में खड़ा रह गया।
ये परमा का अनुगमन नहीं करता, ये प्रमाण परमा का अनुगमन नहीं करता, सूरज रुक नहीं सकता। वैज्ञानिक दृष्टि से तो पृथ्वी घूमती है, लेकिन सूरज में भी अपनी क्रिया। कबीर साहब चौकी पर बैठे थे, गोरखनाथ जी सिंह पर बैठ करके आए, तो कबीर साहब ने सोचा इनको बड़ा घमंड है सिंह का कि हम सिंह पर बैठ के चलते। तो कबीर साहब ने चौकी से कहा चल भगवानी कर गोरखनाथ जी, चौकी चल पड़ी, गोरखनाथ जी घबरा गए। जिसके कहने से चौकी चलती उससे मैं क्या बात करूं। कबीर साहब ने कहा नहीं गोरखनाथ जी आप आए हैं तो हो जाए बात। तो गोरखनाथ ने एक त्रिशूल गाड़ा 40 हाथ लंबा त्रिशूल लाए, तो उसके नोक पर जाकर के बैठ गए गोरखनाथ। सोचे होंगे कबीर क्या करेंगे, तो कबीर ने एक सूत फेंटा, फेंका आकाश में, 80 हाथ ऊपर चला गया, उस नोक पर जाकर के साथ बैठ गए। तो गोरखनाथ कहे भैया आपसे हम पेश न पाए। कबीर साहब जीत गए, गोरखनाथ हार गए। लेकिन पहली बात तो यह है कि गोरखनाथ महाराज के 300-400 वर्ष बाद कबीर साहब हुए, तो दोनों से मुलाकात कैसे हुई। सिंह पर बैठ करके कोई आ सकता है, चौकी को कहे चल तो चौकी नहीं चल सकती, त्रिशूल पर भी बैठना मुश्किल है, सूत पर बैठना तो और मुश्किल है। तो ये सब कहानियां धर्म ग्रंथों में लिखी रहती है। कबीर साहब ने चमत्कार का घोर खंडन किया। कबीर साहब आग के गोला थे, धर्म के क्षेत्र में कबीर अद्वितीय, सत्य कहने में निर्भय, जो कथनी वो रहनी, जो रहनी वो कथनी, डर नहीं, किसी चीज की जरूरत नहीं, अनुगामी नहीं चाहिए, धन नहीं चाहिए, सत्य कहूंगा सत्य में रहूंगा, डर की कोई बात नहीं, मरना एक बार है, जब मर जाए कोई हर्ज नहीं। और उन्होंने रास्ता बताया अपने अनुगामियों के लिए, जो चले वो अनुगामी, कबीर पंथी होने से कोई अनुगामी नहीं, जो चले वो अनुगामी। तो उन्होंने रास्ता क्या बताया, कबीर खड़ा बाजार में ली लुआठी हाथ, जो घर फूके आपना चले हमारे साथ। कबीर साहब आग की लुआठी लेकर के चौराहे पर खड़े और कहते मेरे साथ चलना हो तो लो लुआठी, अपना घर फूकाओ तब चलो, जिससे याद न करना पड़े घर का, फूकाओ, जब घर फूक दोगे तो हमारे साथ चल सकोगे। तो ये वो घर नहीं है जिसमें रहा जाता है, वस्ता निष्काम हो जाओ, कुछ न चाहो, कुछ न चाहने पर भोजन मिलेगा, कपड़े मिलेंगे, सोने की जगह मिलेगी, चाहो वरना मेहनत करो। मेहनत करने के साहब राय दिए, स्वयं मेहनती थे, मेहनत करते थे, और हमें भी राय दिए मेहनत करो। साहब ने सूत काता, क्योंकि जहां पाले गए थे वहां सूत काता जाता था, वैदिक ऋषियों के घर घर में सूत काता जाता था। मैंने कबीर दर्शन में एक नया संदर्भ अभी जोड़ा है, क्योंकि कबीर दर्शन अब फिर से कंपोज होगा, अभी तो नया प्रकाशन होगा, वो चल रहा है, जब आगे आएगा तो मोटा अक्षर हो जाएगा, कुछ संदर्भ और आ जाएगा। भारतीय संस्कृत के मूल में कर्म कर है, ये संदर्भ है। भारतीय संस्कृत के मूल में कर्म कर है, भारतीय संस्कृत के मूल में वैदिक ऋषि। मैंने ये कहा कि आदिवासी लोगों का, आदिवासी को वनवासी को, उनका कोई साहित्य नहीं, लेकिन वो कर्म कर रहे ही होंगे पक्का है। आज लोग उनका साहित्य है वेद, और वेद में ये वेद पढ़ करके कोई जान सकता है कि समस्त वैदिक ऋषि चरवाहे थे, गाय चराते, और इतना ही नहीं दवाई कूटते, भाड़ भूजते,
लकड़ी छीलते काल राम ततो विषक उपल पर क्षणी नाना कारु अहम मैं कारीगर हूं ततो विषक मेरा पिता विषक है वैद्य उपल प्रक्षणी नाना मेरी नम्र माता जो भूनती भड़भूज वैदिक ऋषि कर्म कर अवदार होके अपने कहते हैं हल ज्ञानी चलाता सीरा जंजत कवयो कवि नाम ज्ञानी हिंदी में तो कवि कार थे जो कविता लिखे और एक बोतल शराब पी करके मंच पर कविता गावे लेकिन संस्कृत भाषा के अनुसार कवि कार थे क्रांति दृष्टा आर पार को देख लेने वाला ज्ञानी और उसके लिए ऋषि कहते हैं सीरा युंजंत कवयो सीर का अर्थ है हल सीरा बहुवचन में ज्ञानी लोग हल चलाते हैं इंद्र से हल चलाया गया चलवाया गया ये सब मैंने उदाहरण दिया कबीर साहब उन्हीं कर्मकरों के पक्षधर उन्होंने बारंबार अपने को जुलाहा कहा जुलाहागर में पाले गए जुलाहा कहा गीता में बारंबार यादव यादव श्री कृष्ण को कहा गया गाय चराते थे हजरत मोहम्मद बकरी चराते थे संत ईसा बढ़ई का काम करते थे उपनिषद के ऋषि गाय चराते हैं खेती करते हैं कर्म करो को तुच्छ मानने की प्रवृत्ति वर्ण व्यवस्था के अभिशाप में दिया इस पर फिर कभी चर्चा अभी तो इतना ही कि कर्म करना कर्म पर साहब जोर देते हैं कर्म करना चाहिए कर्म करो लेकिन ज्ञान के पक्ष को सही सही समझो मनुष्य का अस्तित्व सर्वोच्च आप अपने महत्व को समझें सत्य वही कह सकता है जो अपने घर में आग लगा दे वह घर कौन है अहंकार ममकार अहंकार ममकार छोड़ दो फिर सेवा करो विनम्र रहो परिश्रमी रहो सत्य का ज्ञान कबीर साहब ने कहा लेकिन लाखों कबीर प्रेमियों ने उन्हीं को चमत्कार के दलदल में फंसा दिया और इतना इतना साहित्य लिखा गया चमत्कार उनके ऊपर की हद हो गई लेकिन उनकी वाणी प्रसिद्ध है बीजक मुख्य ग्रंथ लेकिन साखी और शब्द भी उनके सब चमत्कार नहीं बताते निर्णय की बात बताते अपने महत्व को हर इंसान समझे चाहे उसको चेतन कहें चाहे आत्मा कहें चाहे जीव कहें चाहे रूह कहें चाहे सोल कहें चाहे राम कहें चाहे अल्लाह कहें परमार्थ परक जितने अर्थ अर्थ हैं शब्दों के वो सारे शब्द आपके अस्तित्व के बोध के लिए राम आप है ब्रह्म आप है खुदा आप है गॉड आप है चेतन आप है जीव आप है आपका अस्तित्व महान है मनुष्य का दिमाग देवी देवताओं की रचना करने का विशाल कारखाना है सारे देवी देवताओं का सृजन मनुष्य के मस्तिष्क से हुआ है और वो रो रहा है गिड़गिड़ा रहा है कल्पित देवी देवताओं के सामने अपने को नहीं समझ रहा है अपने को तुच्छ कहा गया जीव तुच्छ है तो श्रेष्ठ कौन है ये अपने अज्ञान से अपने को तुच्छ कह रहा है ज्ञान विज्ञान का स्रोत कहीं है ही नहीं पानी का स्रोत है तेल का स्रोत है कोयले की खदान है रत्नों की खदान है लेकिन ज्ञान की खदान और ज्ञान का स्रोत कहीं नहीं मनुष्य के अलावा मनुष्य जीव ये चेतन आत्मा सर्वश्रेष्ठ आप अपनी श्रेष्ठता को समझिए आप तुच्छ नहीं है महान
लेकिन ये महानता तब चरितार्थ होगी, जैसे महान है वैसे मन विक्षेप आवरणों को दूर करके स्थित हो जाए। विकारों से गंदगी, विकारों का त्याग सच्चा भजन है। मनोविकार, वाणी के विकार, कर्म के विकार, ये विकार हमें धूमिल करते हैं। भक्ति उपासना का जो आलंबन है, उसके आलंबन को हम तीन हिस्से में बांट सकते हैं, परोक्ष ईश्वर या देव, प्रत्यक्ष मूर्तियां और संत सदगुरु। परोक्ष जो ईश्वर हम देव की उपासना करते हैं वो हमारी अवधारणा है, और पवित्र अवधारणा होने से उसमें भी कुछ लोगों को लाभ मिलता है। ईश्वर मान करके, देव मान करके परोक्ष में प्रार्थना करते हैं, नमाज पढ़ते हैं, इबादत करते हैं, तो कुछ समय खटपट से अलग होकर के थोड़ा अपना मन संसार से हटाते हैं, इसलिए ठीक है। मूर्ति रख करके कुछ लोग पूछते हैं, वे भी एक दुनियादारी से अपने मन को हटाते हैं, लेकिन मूर्ति कभी बोल नहीं सकती, बोध नहीं दे सकती, और ईश्वर और देवता भी बोध नहीं दे सकते, वो भी बोलते नहीं। बोलने वाले संत गुरु मनुष्य, जहां से आपको बोध मिलता है, पवित्र रहने की प्रेरणा मिलती, उनको हम संत गुरु कहते हैं। वो उपासना बड़ी, वहीं से बोध होता है। इसलिए उपनिषद के ऋषियों ने और निर्गुणी धारा के संतों ने तो गुरु को श्रेष्ठ माना ही। उपनिषद अर्थ ही इसलिए बना, शब्द ही बना, उप निकट निषद बैठना, गुरु के निकट बैठना। प्रवाहण जयवल के पास सत्यकाम उद्दालक बैठ करके, और अंततः सत्यकाम उद्दालक के पास बैठकर, जनक याज्ञवल्क्य के पास बैठकर, और इसी प्रकार नारद सनत कुमार के पास बैठकर ज्ञान प्राप्त किए। ऐसे अनेक ऋषि, उपनिषद शब्द इसलिए बना है गुरु के निकट बैठ करके बोध प्राप्त करना, जो कह सके और करता, ऐसे की उपासना, ऐसे की निकट बैठना, ऐसे में श्रद्धा रखना। मनुष्य तपित है अपने मानसिक विकारों से, जल रहा, असंतोष, पीड़ा, भय, संताप। जिसके मन में असंतोष न हो, पीड़ा न हो, भय न हो, संताप न हो, कृतार्थ आत्मा हो, ऐसे सदगुरु के निकट बैठ करके उससे बोध प्राप्त करना और उसके जीवन से प्रेरित होना, ये उपासना, ये सच्ची उपासना, जीवंत उपासना। सूफी संतों ने भी इसी पर जोर दिया। आप सूफी संतों में जाइए, इतनी गुरु भक्ति है क्या पूछें। अब गुरु नाम रख करके चालबाजियां भी खूब हो रही हैं, धोखेबाज गुरु पहले भी रहे, आज भी हैं, आगे भी रहे। हर जगह दो नंबर का माल रहता है, आपको छान विचार करना पड़े। सब गुरुओं का गुरु कौन है? सब गुरुओं का गुरु मनुष्य जीव, इसी को छानना पड़ेगा, ये सही गुरु है गलत गुरु। तो उपासना के आलंबन परोक्ष ईश्वर और देव, प्रत्यक्ष मूर्तियां और संत सदगुरु। ईश्वर और देव और मूर्तियों की उपासना करने वाला भी कुछ संतोष पाता है, लेकिन बोध नहीं होगा, जीवन बीत जाएगा, बोध नहीं होगा और अंतिम स्थित नहीं। जो बोलता है और उस बोध की रानी में रहता है वो गुरु, वो संत, उनकी उपासना से कल्याण होगा। और गुरु यही बताता है, जो मैं हूं वही तू है।
तू अपने को देख, अपने में ठहर। हम रात में चल रहे थे, किसी गांव में जा रहे थे, एक गांव मिला, वहां के लोगों से पूछा, रामपुर गांव भैया मुझे जाना है, कहाँ? उसने कहा महाराज जो देखिए जो प्रकाश चल रहा है वही रामपुर गांव नजदीक आ गए, आधा किलोमीटर। मैं प्रकाश देखते देखते वहां गया, लेकिन जब वहां गया तब प्रकाश को नहीं देखा, प्रकाश में देखा। वहां जाऊं और प्रकाश देख करके खड़ा रहूं तो लोग समझेंगे पागल है। दूर से तो प्रकाश देखना ठीक है, प्रकाश देखते देखते प्रकाश के पास पहुंच जाए, और जब प्रकाश के पास पहुंचे तो प्रकाश को न देख करके प्रकाश में देख। गुरु प्रकाश है, गुरु को देखें, गुरु की भक्ति करें, लेकिन गुरु की भक्ति का अर्थ है गुरु के प्रकाश में देखें, जो गुरु कहते हैं उसको देखें, उसको समझें। तब का जीवा यहां सद्गुरु कभी गए, कहा जाता है 5 बार गुजरात कबीर साहब गए, वहां के लेखकों ने लिखा है, गुजरात में तो उनके अवशेष फैले, मैंने यत्र तत्र लिखा भी, तत्वा जीवा ये 2 ब्राह्मण बंधु कबीर साहब के शिष्य थे, जहां आज कबीरवड खड़ा है, विशाल कबीरवड। कुछ दिन रहे, चलने लगे, तत्वा जीवा ने पैर पकड़ लिया, महाराज आप यही रहे, हम आपको चाहते हैं। साहब ने कहा जो तू चाहे मुझको छाड़, सकल की आश मुझ ही ऐसा होए रहो, सब सुख तेरे पास। अगर तुम मुझे चाहते हो तो मेरे समान निष्काम हो जाओ, सारी आशा छोड़, बस सब सुख तुम्हारे पास है, मेरे पैर पकड़ करके क्या करोगे? साधु कहीं जगह उठता ना, साधु के पैर में तो चक्के लगे रहते, वो चलता रहता है। जो तू चाहे मुझको छाड़, सकल की आश मुझ ही ऐसा हुए रहो, सब सुख तेरे पास। कभी साहब को अपने को देखने नहीं कहा, ज्ञान के प्रकाश में देखने का, इंसान के रूप में कृतार्थात्मा को हम गुरु कहते हैं, संत कहते हैं, और वही उपासना का मुख्य आलंबन है जहां से हमें बोध होगा और प्रेरणा मिलेगी। वेदांत की भाषा में श्रोत्री ब्रह्मनिष्ठ कहा, गुरु कैसा होना चाहिए? श्रोत्री हो और ब्रह्मनिष्ठ हो। श्रोत्री का मतलब बहुत सुना हुआ हो, पहले किताबें नहीं थी, गुरु ज्ञान सुनाते थे, शिष्य सुनते थे, और शिष्य फिर अपने शिष्य को सुनाते थे, श्रुति के आधार पर चलते रहे, इसीलिए वेद वचनों को श्रुति कहा। हजारों वर्षों तक वेद वचन ऐसे सुनते और कंठ करते रहे, तब कहीं लिखा जाना संभव हुआ। शुरू में वेद वचन बोलने वाले ऋषि लिखना पढ़ना दोनों नहीं जानते थे, आगे जाने, वैसे अथर्व वेद में तो आ गया लिखने पढ़ने का संकेत। तो श्रुत का अर्थ है सुना हुआ, जो श्रोत्री अधिक ज्ञान सुना मतलब एक ज्ञानी, आत्मज्ञानी और ब्रह्मनिष्ठ, आत्मा में निष्ठ हो, उस दशा में रहता, ये वेदांत की भाषा है। कबीर साहब की भाषा है बोध रहनी निष्ठ, बात एक बोध हो और रहनी, जो श्रोत्री होगा उसी को बोध होगा। आज अध्ययन मनन सुनना सब कुछ है, हजारों वर्षों से जो गुरु संतों द्वारा सुनता है, भक्तों द्वारा सुनता है और ग्रंथों को पढ़ता है, धीरे धीरे ज्ञान हो जाता है। ज्ञान होने से बोध हो गया, और रहनी, रहनी ही ब्रह्मनिष्ठा है, अपने में टिकना। करनी करे सुपूत हमारा, कथनी कथे सुनाती, रहनी रहे सो गुरु हमारा, हम रहनी के साथी। साहब कहते हैं जो ज्ञान की चर्चा करता है वो
मेरा नाती है, लड़की का लड़का, दूर का है लेकिन प्यारा है, और जो करनी करता हमारा पुत्र है, निकट का रिश्ता है, खून का रिश्ता है, और जो रहनी में रहता हमारा गुरु है, हमसे ऊपर है, रहनी का साथी, कथनी करनी रहनी तीन, ज्ञान की चर्चा कथनी और ज्ञान का आचरण करनी और निष्काम होकर के टिक जाना रहनी, रहनी रहना टिक जाना ठहर जाना, बोध और रहनी निष्ठ गुरु होना चाहिए, जिसके स्मरण से दर्शन से सहवास से अपने में परिवर्तन है। आचार्य उपनय मानो ब्रह्मचारिणम गृणते गरम मंतः सरात्रिस्त्रिस उदरे विवर्त तम रात्रिस्त्रिस उदरे विवर्त तम जातम दृष्टम अभिसंयंति देवा। ये एक मंत्र वेद का आता है। आचार्य उपनय मानो, आचार्य उपनय मान होता है, खींच लेने वाला होता है, गुरु को वहां आचार्य कहा गया। आचार्य उपनय मानो, उपनय मान खींच लेने वाला, सदगुरु सत्पात्र शिष्य को अपनी तरफ खींच लेता है, और इतने नहीं करता है, ब्रह्मचरण कृते गर्भ मंत्र उस ब्रह्मचारी को साधक को अपने गर्भ में कर लेता है, पेट के अंदर कर देता है, और तम रात्रि सुदरे विवर्त तम उसे तीन रात तक अपने पेट में रखता है, तम जातम दृष्ट मभिसंयंति देवा, तब जब वो पैदा होता है तब देवता लोग उसके दर्शन के लिए आते हैं। ये अलंकारों में कहा गया, बहुत बढ़िया मंत्र और भाव है। सदगुरु शिष्य को खींच करके अपने गर्भ में कर लेता है। आध्यात्मिक आदि भौतिक आदि दैविक ये तीन अविद्याएं, इन तीन अविद्या रूपी रात्रि जब तक खत्म नहीं होती है तब तक शिष्य गुरु के गर्भ में रहता है। जब गुरु के ज्ञान से उसके सहवास से ये तीनों अविद्याएं कट जाती हैं तब वह पैदा होता है, तब देवता लोग यानी सज्जन लोग उसके दर्शन के लिए आते। कोई साधक जब उसके सारे अज्ञान मिट गए और शीतल हो गया, तृण रहित आग की तरह शीतल शांत हो गया, तब जिज्ञास उसके दर्शन करके उसका ज्ञान लेकर के कल्याण करते हैं। ये आदिदैविक आदिभौतिक और आध्यात्मिक तीन अविद्याएं क्या हैं, इसका विवरण देने का अभी समय नहीं, समय से इस पर चर्चा करना चाहूंगा तीन दिनों में किसी दिन। सारे अज्ञान की निवृत्त हो जाने पर वह ब्रह्मचारी मानो जन्म लेता है, इसीलिए संस्कार विजिचते कहा गया। जब संस्कार हो गया तो दिज कहलाने लगा, संस्कार का मतलब है धो देना, साफ हो जाना, जब साफ हो गया तो दूसरा जन्म हो गया। आपसे गलतियां हो गई हैं, चिंता मत करो, अब गलती न करो बस। कितने लोगों से गलतियां हो जाती हैं तो बुढ़ापा तक वो रोते हैं, ये भी एक कमजोरी है। एक किशोर अवस्था में गलती हो गई है आपसे आचरण संबंधी और कुछ, बूढ़े हो गए वही सोच सोच करके ग्लान में चल रहे हैं, ये भी ठीक नहीं। गलतियां हो गई हो गई, गलती अब ना हो बस। क्या दीवार गलती करती है, क्या एक खंभे गलती करेंगे, आप इंसान है, आपसे गलती हो गई, आप गलती छोड़ दो और सही पर हो जाए बस। चरित्र संबंधी गलती हुई अब संयमी हो जाए, धन संबंधी गलती हुई अब संतोषी और ईमानदार हो जाए, करुणा और दया संबंधी गलती हुई अब करुणाशील हो जाए। गलतियां जो हो गई छोड़ दे, संस्कार कर ले, धो ले, एक अनगढ़ पत्थर को रगड़ कर तराश कर मांझ कर
सुंदर मूर्ति का रूप या अनेक वस्तुओं का रूप दिया जाता है पत्थर को, वो संस्कारित होता है। हीरा खदान से निकलता है, 10,000 अगर दाम है तराशने पर 1,00,000 हो जाता है, 10 गुना दाम बढ़ता है। आपका जीवन हीरा है, लेकिन हम जीवन को और खराब करते चले जाते, इसको माँचते नहीं। जवान हुए, तम्बाकू भर ली मुंह में, पान भर ली, सुपारी भर ली, अच्छे अच्छे विद्वान अनेक दुर्व्यसनों में डूबे हैं, जीवन को खराब करते जाते हैं। जो गलतियां हुई उसकी चिंता मत करो, अब गलतियां न करो तो मानो फिर से जन्म हो गया। संस्कार विजिच्यते, संस्कार हो गया तो द्विज हो गया, दोबारा जन्म हुआ हो गया। और रूढ़ करनी है क्या कि जनियों जिसके गले में डाल दिया गया और गायत्री मंत्र सुना दिया गया उसका संस्कार हो गया, वो ब्राह्मण है, बाकी लोग ब्राह्मण नहीं हो सकते चाहे कितने ज्ञानी हो। ये महापुरुष संस्कार है। ब्राह्मण वह है जो आत्मज्ञानी, जिसका मन निर्मल है और आत्मज्ञानी वो ब्राह्मण है। इसलिए वेद व्यास ब्राह्मण थे, भीवरी तरह हो करके, भंगिम तरह हो करके पराशर ब्राह्मण थे, सुद्रा का पुत्र हो करके नारद ब्राह्मण थे। इसी प्रकार आप आगे भी समझ रहे, जो ज्ञानी पुरुष हैं और निर्मल जीवन है वो ब्राह्मण है। उपनिषदों में तो ब्राह्मण उसी कहा गया है जो आत्मज्ञानी, तमेव धीरो विज्ञाय प्रज्ञान कुर्वीत ब्राह्मणा, ये बृहदारण्यक उपनिषद में कहा गया है। तमेव धीरो विज्ञाय, आत्मज्ञान की चर्चा ऊपर की गई तब कहा गया तम एव, तम नाम उसे आत्मा में ही, धीरो विज्ञाय प्रज्ञान कुर्वीत ब्राह्मणा। ब्राह्मण को चाहिए, आत्मज्ञानी को चाहिए कि अपने आत्मा में ही मन ठहरावे, अलग न ले जाए। तमेव धीरो विज्ञाय प्रज्ञान कुर्वीत ब्राह्मणा। जब आत्मज्ञान हो गया, स्वरूप ज्ञान हो गया तो अपने मन को स्वरूप में ही लगा, आत्मा में ही लगा, दुनिया में ना लगा। दुनिया का काम जो करना हो करे, दुनिया के काम करने हैं, मननी नहीं। खेती करो, दुकान करो, नाली साफ करो, कपड़ा बुनो, फैक्ट्री में काम करो, दफ्तर में काम करो, लेकिन मनन करने योग्य आत्मा, आत्मा आत्मा का चिंतन करो। आपके पास रहेगा क्या, एक परिधि होती है, एक केंद्र, तेली का बैल जीवन भर परिधि में घूमता, केंद्र में नहीं पहुंचता। अब तो तेली का बैल को हो तो नवयुवक लोग समझेंगे नहीं कैसे कोलू होता था, क्योंकि कोलू खत्म हो, बीच में कोलू और तेली का बैल चारों तरफ घूमता रहा, दिन भर घूमता रहता था बेचारा और पहुंचता नहीं। परिधि, ये मन जहां तक चलता है परिधि, अब आत्मा केंद्र, आप आत्मा, जहां तक मन से सोचते हो परिधि में घूमते हैं। सोचना बंद हुआ केंद्र में आ गए, सोचना बंद होना ही ध्यान है। ध्यानम निर्विषयम मन, मन का निर्विषय हो जाना ध्यान है। योगश्चित्त वृत्ति निरोधक, चित्त की वृत्तियों का निरुद्ध हो जाना योग है। सहज समाज साहब जिसको कहे वो क्या, सहज आपका आत्मा, अपने आत्मा में रह जाना सहज समाज, अपने में लौट आना सहज समाज। आपका आत्मा, आपका अस्तित्व, आपका केंद्र, जब आप सोते हैं तो केंद्र में आ जाते हैं। जब स्मृतियां खत्म होने लगती हैं तो आपको नींद आने लगती है, और जब तक स्मृतियां रहेंगी नींद नहीं है। जब तक आप स्मृतियों में रहेंगे परिधि में घूमते रहे, और जहां स्मृतियां खत्म होने लगी केंद्र में आने लगे, सारी स्मृतियां खत्म हुई केंद्र में आत्मा में आ गए और शांत सो गए। मृत्यु अवस्था में ही होगी, सारी स्मृतियां खत्म होगी, अब आत्मा अकेले शरीर छोड़ के चला जाए। समाज में यही होता है, सारी स्मृतियां छोड़ करके अपने आप में टिक जाए। ये काम जो कर लेता है वो भटकता नहीं है, फिर
हम अध्यात्मवादी मानते हैं कि जीवन में रहते रहते जो समाधि अभ्यास करता है, बैठता है एकांत में, अपने मन को समेट करके आत्मलीन हो जाता है, वो केंद्र में आ, और जब उससे उठता है तो विचारों के प्रवाह चलते हैं, लेकिन उन विचारों में निर्मलता रहती है और बोध सदैव रहता है कि विचारों से मैं भिन्न हूं। केंद्र में वो सदैव रहता है, विचार में रहता है तो भी केंद्र में रहता है, और जब समाज में रहता है तो भी केंद्र में रहता है, क्योंकि उसके विचार में भी केंद्र का बोध बना रहता है। जो अपने केंद्र में आत्मा में स्थित हो गया वो जन्म मरण के भटकाव से मुक्त हो गया। केंद्र में आ जाना, अपने आप को पा जाना, यही ब्रह्म को पाना है। आत्मा से अलग ब्रह्म नहीं, आत्मा से अलग कहीं ईश्वर नहीं, अपने आप से अलग मेरा लक्ष्य नहीं, अलग जो कुछ है वो मन वाणी का विषय है, और मन वाणी का जो कुछ विषय है वो माया है। गोस्वामी जी ने पूरे मानस में बारंबार महाराज राम के सौंदर्य का वर्णन बहुत किया। कोई आया है आगंतुक तो महाराज राम के सूरत को देख करके वो मगन हो गया, बारंबार इस पर खूब उन्होंने लिखा है। लेकिन जब उन्होंने खाटी की बात कही, शुद्ध बात कही, तब कहा गो गोचर चालक मन जाए, सो सब माया जान्यो भाई, देखी सुनी गुनी मन माही, मोह मूल परमारथ नाही। इंद्री और इंद्री के विषय जहां तक मन जाए सब माया है, जो देखोगे सुनोगे और सोचोगे वो मोह की जड़ बनेगी, परमारथ उसमें नहीं। जवानी देखकर, सौंदर्य देखकर, जवान जवान स्त्री पुरुषों को देखकर, चिकने चिधरे मकान देखकर, कारें देखकर, हवाई जहाज देखकर, किसी की मान प्रतिष्ठा देखकर, सब चमक दमक देख करके भटकेगा, पतन होगा और लाभ कुछ नहीं। और ये सब निरर्थक निस्सार, चार दिन की चादरी फिर देगी रात, बड़े बड़े राजे महाराजे जमीन में लीन हो गए, हमारे सामने जवाहर, गांधी, पटेल, जिन्ना, बृहत्तर भारत, पाकिस्तान और हिंदुस्तान और बांग्लादेश के अनेक नेता जमीन में चले, कौन यहां रहता है? दादा बाबा हो, परपाजा जिनके अब ही बाणे हो, आदर भय यू की फूटी, दिन काहे सब छाड़े, इस संसार सार को धंधा, अंतकाल कोई नाही हो, उपजत गिनसत बार न लागे, जो बादल की छाई हो, नाता गोता कुल कुटुम सब इनकर कौन बढ़ाई, काहे कभी देख राम भजे बिन बूढ़ी सब चतुराई। राम भजन आत्मस्थिति, कबीर साहब का राम भजन बाहर नहीं बजा, अपने में लौट आना, केंद्र में आ गए राम में आ गए। परिधि में आदमी जीवन भर घूमता रहता, परिधि मन परिधि, जहां तक सोचो परिधि चक्कर है, काटते रहो चक्कर। मन का भटकना बंद हुआ, केंद्र में आ गए, अपने मूल स्थान में आ गए। वो मूल स्थान आपका सर्वश्रेष्ठ है, उससे श्रेष्ठ कुछ नहीं, आप अपनी श्रेष्ठता को समझिए। इसी पर साहेब ने कहा झगड़ा एक बड़ो राजा राम, जो निर्वाण सो निर्वाण, जो निर्वाता वही निर्वाण पाता है। आप तुच्छ नहीं, आप प्रतिबिंब नहीं, आप अंश नहीं, किसी ईश्वर के आप अंश नहीं। अनेक कुसंस्कार आए, जीव ईश्वर का अंश ये महाकुसंस्कार, अंश नहीं ये अविनाशी, अविनाशी अंश नहीं होता, अंश अविनाशी नहीं होता। इसको आप कहीं भी भुनाइए इस ज्ञान को और बातचीत कीजिए। अंश का मतलब टूटा हुआ, एक लकड़ी दस हाथ की है, एक फिट काट दी गई तो एक फिट अंश हो गई, तो टूटी हुई चीजें, कटी हुई चीजें और कटेगी, विकारी है। जब अविनाशी है जीवात्मा तो अंश कैसे है, अवंश है तो अविनाशी कैसे है? आप ये भी समझिए कि वैष्णव में विशिष्टता द्वैत मत केवल मानता है कि जीव ईश्वर का अंश है, द्वैत मत वाले नहीं मानते।
वही वैष्णव जो द्वैत मत वाले हैं वो ये नहीं मानते जीव अंश है किसी का, तो इसलिए अंश है जीव ये एक मत का कथन है, सार्वभौमिक सत्य नहीं, प्रमाण नहीं, प्रमाण वर्ग है और इसके विरुद्ध भी प्रमाण है। नासाभाविका परमात्मा अंश जीवित्वाच्यम, ये जीव किसी परमात्मा का अंश नहीं है, निष्कलम निष्क्रियम शांतम निर्वध्यम निरंजनम, ये तो निष्कल कला रहित अंश रहित निर्मल निरंजन है। ना जायते मृत्ये वा विपश्चित नायम कुतश्चित न भूः कश्चित, ये शुद्ध वचन है, न ये जन्मता है न मरता है, न किसी से होता न इससे कुछ होता है, नायम कुतश्चित न भूः कश्चित, कुतश्चित कश्चित न भूः, इन तीन पदों पर ध्यान दे, कश्चित कोई कुतश्चित किसी से, न भूः नहीं पैदा होता, किसी ईश्वर ब्रह्म से जीव पैदा नहीं होता है। अजो नित्य शास्त्रों एवं पुराणों, ये तो अजन्मा है, शाश्वत है, पुराण पुरुष है, ना अन्यते हन्य माने शरीर, ये प्रमाण है और ये प्रमाण परमा के अनुकूल है, ज्ञान के अनुकूल है। या तो जीव ये आत्मा को मानो कि विकारी है, नश्वर है, जब नश्वर है तो बातें खत्म से, अगर अविनाशी है जिस पर सिद्धांत टिका है तो जब अविनाशी है तो अंश कैसे हो गए। हम ईश्वर की पत्नी हैं, ईश्वर हमारा पति है, ये ईश्वर हमारी पत्नी है, हम उसके पति हैं, ये दोनों प्रकार की भक्ति चली, इस पर भी समय से चर्चा बन पड़ेगी तो करूंगा। ये सब कुछ संस्कार है, शुद्ध वचन ऐसे नहीं, न वेद में है, न उपनिषद में है, न छह शास्त्र में है। कबीर ने इसका खंडन किया है, लेकिन विद्वानों ने कबीर की वाणी में ही ये रसिक भाव ला दिया है, इसको आप कभी दर्शन में देख सकते हैं और बीजक की व्याख्या में पूरा देख सकते हैं, इस पर भी अवसर आएगा तो चर्चा करूंगा। ना आप किसी की पत्नी है, ना किसी के पति, ये आत्मा ये सब कुछ नहीं, ना पत्नी है ना पति, ना अंश है ना अंशी, ना विकारी है, ये निर्मल शुद्ध बुद्ध है, आपका स्वरूप शुद्ध बुद्ध है, आप दे नहीं शुद्ध निर्मल आत्मा है। अपने को पहचाने, अपने को स्त्री पुरुष न माने, अपने को काला गोरा न माने, ब्राह्मण शूद्र न माने, हिंदू मुसलमान न माने, धनी गरीब न माने, शिक्षित अशिक्षित न माने, छोट बड़ा न माने, ये आत्मा निर्मल है और एक समान है मौलिक रूप में। देहोपाधि से ये चीजें हैं, कोई प्रतिभावान है, कोई प्रतिभाहीन है, कोई सुंदर है, कोई कुरूप है, इससे कुछ फर्क नहीं पड़ता। अंदर में जो आपकी ज्योति है, ज्ञान ज्योति, वो तो समान है, उस ज्ञान ज्योति में जो स्थित हो गया उसके लिए कुछ नहीं। शुद्ध के ऋषि कहते हैं कि काना आंख, शरीर काना हो गया तो आत्मा काना नहीं, शरीर कोढ़ी हो गया तो आत्मा कोढ़ी नहीं, शरीर अपंग हो गया तो आत्मा अपंग नहीं, आत्मा तो अजीर्ण है, जीर्ण नहीं होता है, शुद्ध बुद्ध निर्मल है, आप निर्मल है, उस निर्मलता को लाना खास बात है। अपने को पहचाने और अपने को पहचान करके अपने मन को निर्मल कर, यही अध्यात्म और यही धर्म है, ये किसी संप्रदाय की चीज नहीं, संप्रदायों के रंग में रंग करके इतना अनर्थ किया गया है कि मेरे ही संप्रदाय से कल्याण और स्वर्ग है, दूसरे से नरक है, बंधन है। ये संप्रदाय ने बड़ा धमा चौकड़ी मचाया और इस पर भी प्रश्न पड़ेगा तो कहा जाएगा, आप लोग जानते भी हैं, एक संप्रदाय दूसरे संप्रदाय को मानता है वो भव में भटकने वाले या नरक में जाने वाले, जो पुनर्जन्म मानते हैं वो कहते हैं दूसरे मत वाले चाहे दूध के धोए हो उनका मोक्ष तब होगा जो हमारे मत में दीक्षित होकर साधना करें, अगर अच्छा काम करते तो स्वर्ग तक पाएंगे, बस मोक्ष नहीं पाएंगे। और जो पुनर्जन्म नहीं मानते वो कहते हैं जो मेरे मत में नहीं होगा दूध का धोया हो तो भी उसको नरक में जाना है, हमारे मत वाले ही स्वर्ग जाएंगे। ये सब संकुचितता है, स्वर्ग और नरक, मन की मलिनता नरक है, मन की स्वच्छता स्वर्ग है, मन का मोह ग्रस्त रहना बंधन है,
मन का निर्मोह हो जाना मोक्ष। इसलिए मोक्ष और स्वर्ग नरक और बंधन ये सब व्यक्तिगत विषय, संप्रदाय का विषय नहीं। लेकिन संप्रदाय में बहुत धमाचौकड़ी की और शायद ने ये सब का खंडन किया। इसीलिए आपको मैं कई बार कहता हूं कि बीजक आप पढ़िए, पूरे बीजक में कबीर पंथ शब्द तक नहीं, न कोई नियमावली सत्य का उद्घाटन है। पूरे बीजक वो एक ऐसे संत हुए हैं जो वैज्ञानिक दृष्टिकोण वाले थे, धर्म में भी ज्ञान और भी संत किए, ऋषि मुनि भी किए, केवल कबीर ही नहीं किया। इसी बात और जगह जगह है लेकिन जंजाल हो। कबीर वाणी पढ़े एकदम बिल्कुल जो यहाँ कहते वही वहां कहते हैं। एक पंडितानी रहे यहाँ इलाहाबाद में, अभी शायद वो दोनों पति पत्नी यहाँ हैं, हमारी बीजक की व्याख्या वो दोनों खूब पढ़ते थे। तो अपनी भाषा में कहे का साहेब, बाबा के माल में दो नंबर नहीं। कवि साहब को बाबा कहते थे, बाबा के नाम में, बाबा के माल में दो नंबर नहीं है। बीजक व्याख्या पढ़ती हूँ, कहीं दो नंबर का माल नहीं, सब एक नंबर का। तो अन्य संतों ऋषियों महर्षियों ने भी ज्ञान की बातें कही, लेकिन निर्छीर विवेक करना पड़ेगा। शंकराचार्य ने उपनिषद भाष्य में लिखा है कि सैकड़ों श्रुतियां परस्पर विरुद्ध, उनके व्याख्याकारों के आचार और मान्यताओं में अंतर है। इसलिए इसमें संगत बैठाना सबके बस की बात नहीं। मैं अपनी शक्ति और बुद्धि के अनुसार ये काम करूंगा, ये मैंने उपनिषद स्वरूप की भूमिका में उदाहरण दिया। स्वामी शंकराचार्य अत्यंत विनम्र होकर के यहां उन्होंने कहा, बिल्कुल सच। इसलिए शास्त्रों के जंगल में आपको निर्णय करना पड़ेगा, कोई शास्त्र स्वतः प्रमाण नहीं, प्रमा के अनुसार प्रमाण होना चाहिए। यानी जो सच्चा ज्ञान है उसकी वकालत करे जो वचन, वही वचन माननी है, लिखा होने से माननी नहीं। तो मूल बात यह है कि आप हीन नहीं, आप तुच्छ नहीं, आप महान हैं, आप छोटे बड़े नहीं, मूल रूप में समान है। मर्यादा में बाहर पिता पुत्र गुरु शिष्य पत पत्नी भाई भाई छोटे भाई बड़े भाई, ये सब होता है। आत्मा शुद्ध बुद्ध निर्मल है, अपने आत्मा को पहचाने और अपने आत्मा को ये मानसिक मलिनता के दलदल से निकाले। इसी के लिए सत्संग है, सेवा है, स्वाध्याय है, साधना है, और यही काम करने वाला मन सफल है। बाकी दुनिया के चमक दमक में भूल जाने वाले उनको रोना है, अवंत में रो करके जाना है। ऐसा हम जिए कि रो करके न जाना हो। इसी के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ। कबीर पारक संस्थान।